Good morning students, I hope you are doing well. In today's video, I'll start with chapter number 11, Growing Up, of Engaging English, which is the part of English literature. So please come to page number 70, open page number 70. Let's start our chapter. Nemi, Urvi and Putul were playing in Putul's room. तो ये थ्री फ्रेंड्स थे, नेवी, उर्वी एंड पुतुल. एंड वेयर वर दे प्लेइंग? वो लोग पुतुल के रूम में खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग इन पुतुल्स रूम. एवरी सैटरडे मॉर्निंग द थ्री फ्रेंड्स वुड मीट एंड प्ले इन पुतुल्स हाउस. तो हर सैटरडे मॉर्निंग में तीनों फ्रेंड्स जो थे वो मिलते थे और पुतुल के घर में खेलते थे. इफ वन ऑफ द ट्रायो मीन्स अ ग्रुप ऑफ थ्री पीपल वॉज अनेबल टू कम द अदर टू फ्रेंड्स वर वेरी अपसेट. अब तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं आ पाता था तो जो बाकी के दो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे. उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, सैड हो जाते थे वो लोग. दे वर हैप्पीएस्ट व्हेन दे वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड प्लेइंग. और वो सबसे ज़्यादा खुश कब होते थे? जब वो एक दूसरे के आसपास बैठे हो रहे होते थे और खेल रहे होते थे. एक दूसरे के साथ बैठकर खेल रहे होते थे तब वो सबसे ज़्यादा हैप्पी होते थे. नेमी लव्ड टू प्ले विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड लेगो ब्रिक्स. लेगो ब्रिक्स, सी चिल्ड्रन, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक के ब्रिक्स होती है ना, एक के ऊपर एक रख कर जिससे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, या कोई भी एलिफेंट बनाते हैं, कोई भी एनिमल बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं. तो नेमी को किस चीज़ से खेलना अच्छा लगता था? उसको लेगो ब्रिक्स से खेलना बहुत अच्छा लगता था, और उसको बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना अच्छा लगता था, और लेगो ब्रिक्स के साथ खेलना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. ही स्पेंट आवर्स मेकिंग टॉल बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस. तो वो बहुत सारा टाइम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में और ब्रिजेस बनाने में लगा देता था. मतलब आवर्स, बहुत घंटों तक वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाता रहता था. ही वुड स्टैक them slowly. Stack means एक के ऊपर एक रखना. तो he would stack them slowly, one on top of the other, making little cities. अब वो बहुत ज़्यादा slowly, बहुत careful होकर एक के ऊपर एक block रखता था और वो छोटी छोटी cities बनाता था उससे. Sometimes his friends helped him. At other times, he built them by himself. कभी कभी उसके फ्रेंड्स उनको हेल्प करते थे और कभी कभी वो अकेले ही सारी चीज़ें बनाता था. One Saturday, Urvi was watching her friend build a skyscraper. Skyscraper means a very tall building. जो बहुत ऊँची building होती है, बहुत लंबी building होती है, उसको skyscraper कहते हैं. तो एक Saturday उर्वी ने देखा कि उसका friend एक skyscraper बना रहे हैं. नेमी एक skyscraper बना रहे हैं. He was being very careful so that it did not fall down. और वो बहुत ज़्यादा careful था बिल्डिंग बनाते हुए, स्काईस्क्रैपर बनाते हुए. नेमी बहुत ज़्यादा केयरफुल था ताकि जो उसकी बिल्डिंग है वो गिर ना जाए. नेमी, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? उर्वी आस्क्ड हिम. अब उर्वी ने पूछा नेमी कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहोगे? नेमी स्टॉप्ड व्हाट ही वॉज डूइंग टू थिंक. I want to be
अ बिल्डर। फिर जो वो नेमी जो वो काम कर रहा था, जो बिल्डिंग बना रहा था, वो रुक गया और वो सोचने लगा। फिर थोड़ी देर सोचकर नेमी ने कहा कि मुझे बिल्डर बनना है। बिल्डर कौन होते हैं? जो घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं। देन आई कैन बिल्ड हाउसेस एंड ऑफिसेस ऑल द टाइम विथ रियल ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंटें, ईंटें देखी है ना आपने, जो घर बने होते हैं ईंटें से, ठीक है। फिर उसने कहा कि जब मैं बिल्डर बन जाऊंगा तो मैं रियल ब्रिक्स से घर और ऑफिसेस बनाया करूंगा। मम्मी सेज आई कैन बिकम एन आर्किटेक्ट, सेड नेमी। इट्स नॉट आर्किटेक्ट सिली, इट्स आर्किटेक्ट, उर्वी एक्सप्लेन्ड। अब नेमी की मम्मी ने उससे कहा होगा कि आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, बट नेमी को आर्किटेक्ट को बोलना नहीं आया, तो वो आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट बोल रहा था। फिर उर्वी ने उसको करेक्ट करा और बताया कि सिली आर्किटेक्ट नहीं होता है, इट्स आर्किटेक्ट। एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स। और उसने बताया कि आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बनाते हैं। ही डिसाइड्स व्हाट दे विल लुक लाइक एंड देन बिल्ड्स देम। और उर्वी ने और बताया कि पहले वो डिसाइड करते हैं, उसका बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं कि वो बिल्डिंग कैसी दिखेगी, फिर डिज़ाइन फाइनल करने के बाद वो उसको बनाना, बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। आई वॉच्ड अ प्रोग्राम ऑन टी वी यस्टरडे नाइट विथ माई ब्रदर ऑन वॉट आर्किटेक्ट्स डू। और उन्होंने बताया कि मैंने कल रात एक प्रोग्राम देखा था टी वी पर, जिसमें बताया गया था कि आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, और वो प्रोग्राम उसने अपने ब्रदर के साथ में देखा था, उर्वी ने अपने ब्रदर के साथ में देखा था। डिड यू नो दैट दे कैन इवन डिज़ाइन अंडर वाटर ब्रिजेस। और उर्वी ने ये भी बताया कि जो आर्किटेक्ट होते हैं वो पानी के अंदर भी ब्रिजेस का डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रिजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर पानी के अंदर भी ब्रिजेस बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।